नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। गुंडई पे उतारू है प्रशासन, ये एसडीएम प्रेम प्रकाश मीणा है। ये अफसरी कम और गुंडागर्दी ज्यादा करते हैं। देखिए कैसे टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को धक्का मार रहे हैं और महिला नेता के साथ भी बदतमीजी से बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में दलित लड़की के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और हत्या को लेकर देश भर में गुस्सा बना हुआ है। विपक्षी दल इस मामले को लेकर लगातार राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और तृणमूल कांग्रेस समेत अन्य दल भी सरकार पर हमलावर है। पिछले कुछ दिनों से अलग अलग पार्टियों के नेता हाथरस पीड़ित परिवार से मिलने जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उन्हें रास्ते में ही रोक दे रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बाद शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस का एक दल हाथरस जा रहा था। इस दौरान हाथरस के बॉर्डर पर तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन समेत पूरे प्रतिनिधि मंडल को पुलिस प्रशासन ने रोका। इसी बीच डेरेक ओब्रायन पुलिस से धक्का मुक्की के दौरान नीचे भी गिर पड़े। उधर टीएमसी नेता ममता ठाकुर ने आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि महिला पुलिस कर्मियों ने हमारे ब्लाउज खींचे और हमारी सांसद प्रतिमा मंडल पर लाठीचार्ज किया, जिसके बाद टीएमसी सांसद प्रतिमा मंडल और पूर्व सांसद ममता ठाकुर ने सदर एसडीएम प्रेम प्रकाश मीणा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। दोनों नेता ने एसडीएम पर धक्का देने और गलत तरीके से बर्ताव करने का आरोप लगाया। हम लोग जा रहे थे, वो दलित जो है, जो दलित परिवार है, जिसको ऊपर जो लड़की को जला दिया, हम उसके पास में जा रहे थे, वो जाने नहीं दे रहे थे। लेकिन जैसे ही अंदर घुसने के लिए हम कोशिश किया तो पूरा ब्लाउज पकड़ के वो जो लेडीज पुलिस है और हमारा जो सांसद है प्रतिभा मंडल देखदा, उसके ऊपर लाठीचार्ज किया और देखदा तो नीचे गिर ही गए। और जो प्रतिभा मंडल है उसके ऊपर जो जेंट्स पुलिस है उसका ऊपर सामना सामने उसके हाथ में हाथ लगाए उसके अंग। ये शर्म की बात है। हम मोदी सरकार और इसमें जो बीजेपी जो है गवर्नमेंट योगी, ये पुलिस राज छोड़ के दिया कि दलित लोगों के मारो और पिटाओ। वहीं प्रतिमा मंडल ने कहा कि लोकतंत्र में किसी पीड़ित परिवार से जन प्रतिनिधि को ना मिलने देना लोकतंत्र की हत्या है। शिकायत पत्र में मांग की गई कि एसडीएम प्रेम प्रकाश मीणा के खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही प्रतिमा मंडल ने यह भी कहा कि एसडीएम प्रेम प्रकाश मीणा ने उन्हें धक्का दिया। अगर एक दलित महिला एमपी के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है तो योगी राज में आम महिला के साथ कैसा सलूक किया जाता होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।